ब्यावर में यातायात सुधार की कवायद के तहत शहर में चांगेट और भगत चौराहों पर ट्रैफिक लाइट के 14 पोल लगाए जा रहे हैं। इसमें चांगेट पर 8 पोल और भगत चौराहे पर 6 पोल लगाए जा रहे हैं। विगत दिनों शुरू हुए कार्य के तहत शहर के भगत चौराहा क्षेत्र में लाइटें लगकर तैयार हो गई और चांगेट क्षेत्र में काम अभी चल रहा है। भगत चौराहा क्षेत्र में तैयार हुई लाइटों की शुक्रवार शाम को टेस्टिंग भी की गई। हालांकि लाइटों के पूर्ण फंक्शन में नहीं होने के चलते चौराहों पर आम दिनों की भांति वाहनों की रेलमपेल बनी रही। वाहन चालक हमेशा की तरह ही अपने वाहनों का संचालन करते नजर आए। मालूम हो कि शहर के चांगेट और भगत चौराहे पर यातायात का सबसे अधिक दबाव रहता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने यहां पर ट्रैफिक लाइट लगवाने का निर्णय लिया। प्रशासन के निर्णय के अनुसार भगत चौराहे और चांगेट पर ट्रैफिक पॉइंटों का निर्धारण कर वहां पर ट्रैफिक पोलों के लिए फाउंडेशन बना दिए गए। नगर परिषद प्रशासन की ओर से चांगेट पर 8 पोल लगाए जा रहे हैं, जिसमें स्टेशन रोड, कॉलेज रोड, सेंद्रा रोड, चांगेट चितार रोड और आने वालों के लिए इस तरह से पोल लगाए जा रहे हैं कि उन्हें आसानी से पोल नजर भी आ जाए। इसी प्रकार भगत चौराहे पर भी 6 पोल लगाए गए। गौरतलब है कि नगर परिषद की ओर से शहर में ट्रैफिक लाइट लगाने के लिए 41 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। शहर में शुक्रवार शाम को ट्रैफिक लाइट टेस्टिंग पर नगर परिषद सभापति स्वयं नरेश कनौजिया ने खुशी का इजहार किया। सभापति कनौजिया ने कहा कि शहर में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। यातायात सुधार हेतु विगत दिनों ट्रैफिक लाइटें लगवाने की कवायद भी शुरू कर दी गई थी, जिसका ट्रायल शुरू हो गया और शीघ्र ही उक्त लाइटें नियमित रूप से चालू हो जाएगी और भी कई तरह के विकास शहर में लगातार किए जाएंगे। कनौजिया ने विश्वास दिलाया कि उनके सत्र के दौरान ब्यावर में विकास के नए आयाम छुए जाएंगे। ब्यावर वासियों की वर्षों से मांग थी कि जैसे ब्यावर शहर बहुत पुराना औद्योगिक शहर है और उसकी मांग जो अब जो ब्यावर जिला बना है सभी शहरवासियों की मांग पर, और उसके बाद जैसा कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा एमएलए साहब के सहयोग से हमने टाउन हॉल में घड़ी का भी हमने जो वर्षों से बंद की थी चालू की, उसी कड़ी में ब्यावर में जो यातायात का सुधार हो उसके लिए हमारी योजना थी, उसके तहत भगत चौराहे और चांगेट पे ट्रैफिक लाइट का कार्य किया जा रहा है और अभी उसका ट्रायल भी हो रहा है। तो आने वाले दिनों में यातायात को बहुत सुविधा ब्यावर वासियों को फायदा होगा और एक ब्यावर वासियों के विकास के क्रम में एक और बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। लगभग 40-41 लाख इसकी लागत आई है और ऐसे विकास कार्य आने वाले दिनों में शहर में देखे जाएंगे जो व्यवहारिक रूप से ब्यावर की आवश्यकता है।